मालदीव की निलंबित मंत्री मरियम शिवाना ने एक ट्वीट करते हुए भारतीय झंडे का मजाक बनाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में उनके खिलाफ काफी आक्रोश दिख रहा है। वहीं अब मरियम ने अपने ट्वीट को डिलीट करके माफी मांग ली है। उनका कहना है कि गलती से उन्होंने विपक्षी पार्टी को दी गई एक प्रतिक्रिया में भारतीय ध्वज से मिलती जुलती छवि का इस्तेमाल किया है। मरियम शिवाना ने अपने विवादित ट्वीट के लिए माफी मांग ली है। जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि प्रो चाइना की पार्टी मुइजू की पार्टी की एक पॉलिटिशियन जिनका नाम है मरियम, उन्होंने ट्विटर पर काफी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट करते हुए, भारत के झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते हुए। जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हुई, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कॉन्टेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे। जैसे पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है, तो उन्होंने मालदीव को खड़ा किया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी, टक 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 उनको जनाब पंचिंग बैग बनाया एंड देन क्या था, हर बंदा जनाब। मरियम शिवाना सस्पेंडेड मिनिस्टर ऑफ मालदीव पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी अपोलोजाइज्ड फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट। नाउ व्हाट इज द सोशल मीडिया पोस्ट? शी पुट द इंडियन अशोक चक्र, यू नो वी हैव दैट अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, शी पुट दैट। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। आप जस्ट प्रेजिडेंट मौजू के माइंडसेट देखें, लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है फॉर द पाकिस्तान कि प्रेजिडेंट मौजू जो है वो हमारा नेबरिंग नेबर ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम सार के मेंबर भी हैं एंड सारा कुछ है, लेकिन ही डिडंट ऑप्ट फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं आया बिकॉज उनको पता था दो चीज़ें, इफ वी विल गो टू पाकिस्तान तो इंडियंस विल नॉट लाइक इट। उनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए, ये आवाम पिस रही है आवाम को खाने के लाले, तो जिस आवाम को खाने के लाले पड़े हैं तो मदद तो उसको चाहिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर कोई ज्यादा ही छोटा देश हो और उसको बड़ा देश अहमियत देने लगता है तो उनकी औकात बढ़ जाती है। अब देखिए आप लोग मालदीव को ही, ठीक है, मतलब अगर मैं ढंग से मालदीव को देख लूँ ना तो शायद भारत के कई जिले होंगे जो मालदीव से बड़े होंगे, ठीक है। अगर आप ग्लोबल मैप देखते हो ना तो मालदीव उसमें दिखता ही नहीं है, बस लिखा होता है मालदीव, नाम ही लिखता देखा होता है, नाम लिखा होता है उसका, वो उसका क्षेत्र दिखता ही नहीं। 100% भारत पर डिपेंडेंट है मालदीव। लेकिन अभी क्या हुआ, इनकी एक पूर्व MP ने जो है भारत के तिरंगे झंडे का, जो कि सभी भारतीयों के लिए सम्माननीय है, पूरी दुनिया में सम्माननीय, उसका जो है अपमान करते हुए एक फोटो अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट, फिर भारतीयों ने इनकी तड़ी लगा दी, ठीक है, कि मतलब औकात भूल गई है तू अपना, ऐसा सब कमेंट जो है भारत के लोग करने लग गए, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, किसी झंडे का आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको प्यार से तो बोलेंगे, ठीक है। जब भारतीयों ने इनको औकात दिखानी शुरू की तो इन्होंने जो है वो डिलीट करके और माफ़ी भी मांगी, ठीक है। लेकिन औकात देखिए इन लोगों का कि भारत जैसे सुपर पावर का जो है ये झंडे की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद एवज में अभी परसों की ही बात है कि भारत ने लाखों टन खाने पीने का सामान इनको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे भेजा है, क्योंकि इनके फूड डिपार्टमेंट की तरफ से 2500 लेटर आ गए थे कि हमें फूड भेजिए, नहीं तो हमारे इधर महंगाई चरम पार कर ली, टूरिस्ट जो है यहाँ पे जो है आने से डर रहे कि हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो भारत ने दया दिखाते हुए इनको लाखों टन खाने के सामान भेज दिया, और अगले दिन आप लोग इनका ये देखिए ये है। सो मैं तो कहता हूँ भारत गवर्नमेंट को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। Mariam Shiuna, who is a Maldivian politician who was earlier suspended this year over derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi, has now apologized for a recent post that allegedly showed disrespect towards the Indian flag. पहले भी मरियम बदतमीजी कर चुकी हैं, डेलीगेटरी रिमार्क्स पास कर चुके हैं, अब दोबारा से ऐसा हुआ है, क्या भारत को एड रोक देनी चाहिए मालदीव्स की, भारत का क्या रिएक्शन जाएगा? पोस्ट को डिलीट किया, माफी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कॉन्टेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे, कहीं भारत नाराज ना हो, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं भारत के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं। बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं जो माफी मांगी गई है उसके बारे में आवाम क्या राय रखती है। पहले भी यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ, देन यू प्लान फॉर दिस एम्बिशियस थिंग। आप पहले दिन ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर डालने चीनी आटा भेजने वे का शुक्रिया अदा करें, ये इसलिए क्रिएट किया शुक्रिया अदा किया ना, क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए, अगर आप तुर्की और चीन ना जाते थे ये शुक्रिया अदा दालों के शुक्रिया नहीं सन चीनी के शुक्रिया अदा करने पड़ना। सो विदाउट गोइंग टू चाइना एंड देयर, आप जाके चाइनीज को ऑन बोर्ड लेते, चाइनीज को कहते भाई नाओ इन्वेस्ट करो, इंडिया को कहते भाई मुझे भी ज़रूरत है आए आप भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। आपने ये सारा कुछ किया, लेकिन
ठीक है जी। सो ये आप चाइनीज जो है वो बेल्ट एंड रोड में आ गए हैं उनके साथ, इंडिया मालदीव जो है वो चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड में आ गए, और मालदीव्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो एयरपोर्ट और कमर्शियल पोर्ट्स हैं वो कोई इतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको जनाब अप करें, और ये चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं इस चीज़ में। सो क्या मालदीव एक अपर मिडिल क्लास इकॉनमी बन सकता है उस तरह? ठीक है जी, कई लोग कहते हैं वो अपर मिडिल क्लास इकॉनमी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स भी हैं, और वो चाइनीज़ आपको पता है जिधर जाते हैं दे गो विद द लोन्स। चाइनीज़ मैथड इज़ के बंदे ने लोन च घेर लो, बंदे ने लोन च घेर लो, लोन दे दे के दे दे के दे दे के पागल कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अकेले कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी जो है आवाम को अपने साथ रखा, फिर उनकी पावर ज़्यादा बन गई, क्योंकि कोई सा भी लीडर होते ना वो पहले आवाम को कुछ दिखाता है, कुछ जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखाता है, फिर जो है आवाम उसकी तरफ मायल होती है। मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है, हमने पहले भी देखा कि नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी बायकॉट किया, उनकी एक कॉल थी और उधर की आवाम ने जो है मालदीव का टोटल बायकॉट किया और मालदीव को मुँह से चने चबाने पड़ गए। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुख करूँगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफ़र कराया ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। तो मालदीव हमेशा की तरह भारत के पास गया, घुटने टेके। चाइना तो मदद नहीं करता, सिर्फ कर्जे देते, मदद तो भारत करता है। तो मालदीव गया था ना, थोड़ी सी ऑफर कराई थी चाइना ने कि आप हमारे पास आए, मिलके कोई ट्रेड वगैरह करें, कोई मिलके बिजनेस वगैरह करें, ठीक है, उसने थोड़ा लॉलीपॉप दिया था जैसे चाइना की आदत है, जैसे पाकिस्तान को लॉलीपॉप देता है खाईता है, तो इसी तरह ही मालदीव जो है ना गलती तो कर जाता है, लेकिन वो ना अपने आप को बड़ी बहुत बड़ी ताकत समझ रहा होता है। मेरे ख्याल में भी मालदीव जो है ना वो भारत के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे एक चुंटी है, ठीक है, मक्खी की तरह है। तो उसने जब पोस्ट वापस ली है, उसे पता है बैठे हुए हैं तो पोस्ट वापस क्यों ना ले, पोस्ट तो उसको लेनी पड़नी थी, ना अगर देते पोस्ट, अगर वापस ना करते तो फिर भाई वो ट्रेड जो है नरेंद्र मोदी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जो स्टॉक वगैरह भेज रहे हैं, ये किसने भेजना था? पाकिस्तान से लेना था, चाइना से लेना था, बांग्लादेश से लेना था। भाई आपके रिलेशन देखे ना, शुरू से हम देख रहे हैं जब भी आपको जरूरत पड़ी है नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और उन्होंने मदद भी की। तो पोस्ट अगर उन्होंने डिलीट की है तो उनकी मजबूरी बन चुकी थी, उन्हें करनी ही पड़नी सी। ये जो पहली बात ये कि उन्होंने बदतमीजी की ही क्यों, देखिए बदतमीजी चाइना की ही साजिश है जिन्होंने एक एंटी इंडिया मुहिम चलाई दी है वहाँ। देखिए एंटी इंडिया मुहिम की बात नहीं होती, असल में ना चंद अनासर होते हैं, अच्छी और गंदी भेड़ें जो है ना वो साथ साथ होते हैं। किसी हर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाकिरदार लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, इंडिया से जब कोई आता है उसकी बड़ी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, उन्हें खाना फ्री देते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, सिख यात्री आते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सभी ममालिक में हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मालदीव की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है भाई उन्होंने अगर ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी है, उन्हें पहले डिलीट करने से पहले सोच समझ के पोस्ट लगानी चाहिए थी कि हम लोगों में कितनी पावर है, और हम लोग उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पाला है। देखिए पालने की पालना तो सिर्फ एक खुदा नहीं होता है, ये तो एक वसीले होते हैं। आज अगर इंडिया डेवलप है तो कल को अल्लाह करे मालदीव भी डेवलप हो, पाकिस्तान भी डेवलप हो, जैसे बांग्लादेश डेवलप हो गया। ये बात तो माननी पड़ेगी, हिस्ट्री उठा के देख ले, हिस्ट्री से लेकर अब तक देख ले, मालदीव में वो कौन सा मंसूबा है जिसको भारत ने ना बनाया हो? देखिए मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी आपको बोला था कि इंडिया जो है ना एक एशियन टाइगर बन चुका, ठीक हो गया। उनकी इकोनॉमी की बात करें, उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी जीडीपी देखें कैसे ग्रो कर रही है, वो कैसे जो है हाई लेवल पे जाते जा रहे हैं। ये तरक्याती जो ममालिक होते हैं ना, इनका रीज़न ये होता है, आप तुर्की की मिसाल देख लें, तैयब और दुगान जो है इनकी मिसाल देख लें, कितनी गुर्बत थी, ठीक है। आज से कुछ 10-15 साल पहले देखें तुर्की क्या था, आज वही तुर्की है। क्या रीज़न है? गुल मिल जाता है, कभी स्पोर्ट्स खेल रहा है, कभी आवाम में जा रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, अपना हाथ मिला रहा है, जाके गुल मिल जाता है। यही क्वालिटियाँ जो है नरेंद्र मोदी में भी हैं। नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है एक जिंदा दिल इंसान है, जैसे राहुल गांधी है, वहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि नरेंद्र मोदी का अगला, देखिए अब यह इलेक्शन भी पास है, ठीक है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी की टांगे खींचें, इसको गिराएं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना एक ऐसा बीच वहाँ पे बो दिया है इंडिया में कि वो आने वाली नस्लें भी जो है ना उसे याद करेंगी, उसे तर्क नहीं को कर सकता। ये माने ताने नहीं है इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड में इनके जो माशाल्लाह